जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ, एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंड ऑफ डे यानी कि ईओडी चार्ट की एनालिसिस कैसे करें, नेट डे ट्रेडिंग की तैयारी कैसे करें, ये इसकी मास्टर क्लास है। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए। एज ए बिगनर, एज ए ट्रेडर, एज ए लर्नर बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम इस वीडियो में। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में भी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करेंगे और आपको स्टीम लेवल तक समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। अगर एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो कि ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड कार्य है। इस पे बहुत ही ज्यादा दोस्तों रिसर्च हो चुकी है और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है कि ट्रेडिंग क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड। जब तक आप खुद प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होंगे, तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, ट्रेडिंग फील्ड से कोई अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा। यह बात आपको समझ में आ गई। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 11% इस फील्ड में विनर है और 89% लोग लॉसर है। तो इसका जो मेजर है वो भी रिसर्च किया गया कि आखिर इतने ज्यादा लॉसर क्या है। तो क्या आपको लगता है एजुकेशन की कमी की वजह से ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं, या फाइनेंशियल पैसे की वजह से ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं? तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये स्टडी में पाया गया है कि जो ये गेनर है, जो ये विनर है और जो ये लॉसर है, इसके पास एजुकेशन हो सकता है कि सेम एजुकेशन हो, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा चीज ये भी जानता है, कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी जानता है। तो एजुकेशन में कोई अंतर नहीं, पैसे में भी हो सकता कोई अंतर ना हो। लॉसर के पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, लोग 20-20-30-30 लाख रुपए लॉस कर देते हैं, 50 लाख रुपए लॉस कर देते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस एक ही है, वो है कि प्रोसेस ओरिएंटेड ना बन पाना। ये जो विनर होते हैं सिर्फ एक प्रोसेस में काम करते हैं, ये नॉन प्रोसेस में काम करते हैं। अब जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, लॉसर लोग होते हैं, लाइव मार्केट में चल रही मार्केट में एंट्री को डिफाइन करेंगे, बार बार एंट्री को लेंगे, लॉस करेंगे, क्योंकि इंड ऑफ डे रिपोर्ट बनाते नहीं, कल क्या करना उसके मेजर लेवल निकालते नहीं है, तो एक माइंड सेट डेवलप नहीं करते हैं, प्री प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लाइव में एंट्री लेते हैं। दूसरा, इनका क्लियर माइंड सेट इसीलिए डेवलप नहीं हो पाता है। तीसरा, किसी एक फिक्स पैटर्न को पकड़ के काम नहीं करते हैं, कोई इनका फिक्स रिस्क रिवार्ड नहीं होता। आज 1000 मिल गया, कल 10000 मिल गया, परसों 15000 मिल गया, परसों 25000 लॉस हो गया, तो एक कोई क्लैरिटी नहीं होती है और रैंडम ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि हमने बताया। तो ये अपनी जो हैबिट से मजबूर है, जिसकी वजह से 89% लोग हैं। 89% से 11% में जाना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा विनर कैटेगरी में जाने में, प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाना है। और प्रोसेस ओरिएंटेड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक छोटी छोटी स्टेप आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बना देंगी। इसीलिए इस वीडियो में हम 5 चीजें कंसीडर किए हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप इंड ऑफ डे ईओडी के अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, जिसके बिहाफ पे आप अच्छे से एंट्री ले पाएंगे। दोस्तों इंड ऑफ डे एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है, जैसे कि प्रोफेशनल्स करते हैं, बिना करते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से आपको भी करना है, सिंपली ट्रेंड को चेक करना है। कैसे चेक करना है, कंप्लीट प्रोसेस इन डेप्थ यहां पे मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों 70-80% लोग गलती करते हैं ट्रेंड को चेक करने के लिए, वो वन डे की कैंडल तो लगा लेते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, और वो ये है कि अगर कैंडल रेड बनती है तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि रेड कैंडल का मतलब होता है ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगी, तो वो ट्रेंड समझते हैं कि यहां से चेंज हो गया या भविष्य में चेंज हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसी तरीके से जैसे ये ग्रीन कैंडल एक बन गई वन डे में, तो क्या अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है और ये भी सही नहीं है। सही तरीका ये है कि जब तक जो बायर हैं इनके अगेंस्ट जब तक सेलर क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकती, और जो सेलर हैं इसके अगेंस्ट जब तक बायर क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जब तक वो क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। इस बात को यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं 3 कैंडल बना देता हूँ रेड, कि मैं कौन सी क्लोजिंग और ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 कैंडल यहाँ पे रेड को हमने बना दिया और ये वन डे की कैंडल का टाइम फ्रेम है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कैंडल रेड बन गई तो वो सोच लेते हैं कि अगले दिन मार्केट गिरने वाली है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गिरेगी। 3 कैंडल यहाँ पे बना ली, अब यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल बना लेते हैं, जैसे कि एक कंडीशन ये है इसके अगेंस्ट की मैं बात कर रहा था, और एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ग्रीन बना लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड का हम अच्छे से समझा देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि ट्रेंड कब चेंज होगा और कैसे इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे 3 कैंडल हमने ग्रीन को ड्रा कर लिया है, अब इसके अगेंस्ट सेलर को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं अगले दिन के। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन मान लीजिए ये है,
ठीक है, ये तीन कंडीशन है। अब यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि एक ये रेड कैंडल बन गई, उसके अगेंस्ट में अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई तो लोग समझेंगे कि यहीं से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ओपनिंग हुई ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट यहीं से टर्न होकर अपसाइड में जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सेलर की ओपनिंग प्राइस थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, इसमें भी सेलर की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, इसमें सेलर के ओपनिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो कंडीशन अगर ये सेलर के अगेंस्ट यहाँ पर बायर अप में क्लोजिंग दे दिए हैं तो यहाँ पर क्लियरिटी मिलती है कि यहाँ से मे बी ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट आगे जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में भी अभी डाउन साइड का ही है, अपसाइड का कोई चांस नहीं है, इसमें भी अपसाइड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये बात आपको क्लियरिटी मिल गई कि कैंडल उसके अगेंस्ट ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देगा तो वहां से ज्यादा अच्छी क्लियरिटी मिलती है, ये कैंडल ग्रीन बने रेड बने इससे मतलब नहीं है। दूसरा यहां पे देखिए, मान लीजिए पहली ये ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट यहां पे अगर ये रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। रेड कैंडल की क्लोजिंग जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग के नीचे होना चाहिए, तो इसमें भी नीचे नहीं है, जैसे इसमें नीचे हो गई। तो यहां पर क्या है कि जो ओपनिंग प्राइस थी ग्रीन कैंडल की उसके नीचे आके रेड कैंडल मतलब सेलर्स लाके क्लोज कर दिए, तो यहां से मार्केट टर्न हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये क्लियरिटी मिल गई कि जब तक उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा तब तक वहां पे आपको ट्रेंड चेंज नहीं होना है या इस चीज को नहीं समझना। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस डायग्राम में इसी चीज की और थोड़ा क्लियरिटी देते हैं यहां पे कि मैं समझाने की क्या कोशिश किया हूं। देखिए, कोई भी ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, तो कल क्या होगा, इस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये है एस्टरडे। एस्टरडे मतलब कि कल क्या हुआ था वो देख लिया, और आज क्या हुआ क्योंकि हम इंड ऑफ डे रिपोर्ट बना रहे हैं तो आज क्या हुआ वो देख लिया, तो कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, फिर कल क्या होगा, उस पर हम अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। यही प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो कल क्या होगा उसको गेस करने के लिए, क्लियरिटी के लिए इस डायग्राम में हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें हमने 6 कंडीशंस को मेंशन किया है और इसमें हम प्रीवियस डे को लेंगे, आज की इंड ऑफ डे की कैंडल को लेंगे, फिर कल को गेस करेंगे। कभी भी सिंगल कैंडल के हिसाब से आप ट्रेंड को गेस मत करो। तो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये 15 जुलाई है, ठीक है, 15 जुलाई मतलब हो चुका है, और आज है 16 जुलाई, क्योंकि एस्टरडे को जब भी आप शुरू करेंगे तो पिछले दिन का एक कैंडल देखना है, ये मान लो। तो ये 15 जुलाई का मान लीजिए रेड बना, अब ये 16 जुलाई का ग्रीन बना, लेकिन ये ग्रीन जो बना है, मैं और जूम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लियरिटी मिल जाए। जैसे ये 15 जुलाई का है, मैं एग्जांपल के लिए लिया हूँ, एस्टरडे का हो गया ये मान लीजिए एस्टरडे का कैंडल है, और आज मार्केट की इंड ऑफ डे क्लोजिंग इस तरीके से हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एस्टरडे की जो ये ओपनिंग रेड प्राइस थी इसके ऊपर ग्रीन प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन क्या होगी कि ये अगर ग्रीन के लोअर लो के ऊपर मार्केट रहती है तो यहाँ पे ऑल ओवर अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये बीच में खुलती है, यहाँ खुलती है, गैप अप खुलती, इस तरह खुलती, तो ये अप साइड में डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक डायरेक्शनल वैल्यू की क्लियरिटी मिलती है कि इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि बायर जो है अब स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, तो अगले दिन बाय साइड में मार्केट जा सकता है, मे भी जा सकता है, मतलब 70 से 80% चांसेस यहाँ पे, 100% तो कुछ नहीं होता। तो आगे बहुत सारी और चीजें हैं जिससे ट्रैक कर सकते हो। इसी तरीके से अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि 15 जुलाई की सेम दोनों कैंडल है, लेकिन अब 16 जुलाई को जो है आज की जो क्लोजिंग है मान लीजिए, तो ये 16 जुलाई की क्लोजिंग बीच में हो जाती है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए इस चीज को कि यहाँ पे प्लस में क्लोजिंग हुई तो अगले दिन मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है 70-80%, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग इसके बीच में हुई तो यानी कि जो सेलर थे उसके ऊपर बायर अभी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट नहीं ले जा पाए हैं, तो अगले दिन का डायरेक्शन डाउनसाइड ही हो सकता है 70-80%। ये इस तरीके से आपको ट्रैक करना है। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड बनी और वो फिर माइनस के नीचे माइनस, तो ये चीज ये बताता है कि स्ट्रॉन्गली ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर डेली ओपन होकर माइनस में क्लोज हो रहा है तो एक तरफा ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम डाउन साइड में एंट्री को डिफाइन करेंगे। तो अब तीनों कंडीशन को एक साथ यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए तीनों में ये कैंडल सेम है, लेकिन जो टुडे की कैंडल है यानी कि आज है, ये तो प्रीवियस डे की कैंडल हो गई, आज की कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज होती है तो कल रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इस तरीके से अगर आज की कैंडल क्लोज होती है तो कल रिजल्ट निगेटिव हो सकता है, और इस तरीके से अगर क्लोज होती है निगेटिव तो ये ट्रेंडिंग निगेटिव है। तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब ग्रीन साइड में देखिए, मान लीजिए कैंडल ग्रीन साइड में है, अब ग्रीन साइड में ये क्लोज हुई, नीचे हुई ऊपर क्लोज हुई, अगले दिन यानी कि आज, ये मान लीजिए कि एस्टरडे है 15 जुलाई को, एस्टरडे को इस तरीके से कैंडल बनी और आज इस तरीके से कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये ट्रेंडिंग बुलिश है। तो इसका मतलब है 17 तारीख को भी यानी कि नेक्स्ट डे को भी ऊपर साइड में जाएगा।
ये इस तरीके से आपको सोचना है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए कि ये और ये कैंडल सेम है, लेकिन जो बीच वाली कैंडल है ये इसके बीच में रह गई, तो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप ही जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे कैंडल तो ये रेड बनी है, लेकिन मार्केट फिर अगले दिन अप ही जाएगी। उसका रीजन ये है कि रेड वाली जो कैंडल है ये जो बायर है, यानी कि बायर की ओपनिंग प्राइस के अंदर सेलर अभी आके क्लोजिंग नहीं दिए हैं। बायर के नीचे सेलर आके अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देते तो ट्रेंड बदलता। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लोजिंग इस ओपनिंग के जब तक नीचे नहीं होती तो मार्केट स्ट्रांगली डायरेक्शन नहीं बदलेगी, तो यहाँ भी आपके चांस है। तीसरी यहाँ पे कंडीशन देखिए कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये कैंडल जैसे कि सेम है, लेकिन ये जो रेड वाली है यहाँ पे देखिए कि इस ग्रीन वाले के नीचे क्लोज हो गई, तो मे भी अगले दिन मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जब भी आप शुरू करेंगे तो उसके पिछले दिन की कैंडल को लेंगे, जैसे कि आज आप मान लीजिए शुरू करते हैं तो कल की कैंडल को लेंगे। कल जो भी कैंडल बनी होगी, या तो ग्रीन बनी होगी, या तो रेड बनी होगी, या तो ग्रीन बनी होगी, जो भी कैंडल बनी होगी कल और आज जो कैंडल बनी होगी उसके आधार पर कल क्या होगा ये गेस करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वन डे के टाइम फ्रेम में मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सिंपल वन डे की कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम मैंने यहां पे यूज किया है और जो लॉजिक हमने पढ़ाया है उसकी क्लैरिटी यहां पे मैं आपको दे देता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो उसकी प्रीवियस वन डे की कैंडल को कंसीडर करेंगे। तो जैसे कल की डेट में, यानी कि कल थी 14 जून, आप इस बात को सुनो कि 14 जून को एंड ऑफ डे अगर रिपोर्ट कल बनानी थी आज के लिए 15 जून के लिए, तो हमें 13 यानी कि 13 जून के कैंडल को कंसीडर करना होगा। तो अब कल अगर रिपोर्ट बनाते तो आपको कल 13 जून का और 14 जून का कैंडल को देखना होगा। तो 13 जून के कैंडल से 14 जून का कैंडल जो है तो प्लस में क्लोज हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि मार्केट अभी पर्टिकुलर बुलिश ट्रेंड में है। और आज जो ये 15 जून है तो 15 जून को मार्केट जो है तो यहाँ पे बुलिश साइड में मूवमेंट करेगी, तो इससे लग रहा है कि ट्रेंडिंग बुलिश साइड में मार्केट है और हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था कि बायर के अगेंस्ट सेलर और सेलर के अगेंस्ट बायर, जब तक क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होगा, तो उसका मतलब ये था कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये ग्रीन ही बुलिश में जाके आज यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो कल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस वाले पोर्शन में अगर खुलती तो ये फिर भी अप मूव कर सकती है, क्योंकि ट्रेंडिंग अप मार्केट जा रही है। जब तक ये अपने ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, यानी कि जो ये ग्रीन की ओपनिंग डेली हो रही है इसके नीचे आके रेड की क्लोजिंग जिस दिन हो जाएगी, मान लीजिए कि कल अगर रेड की क्लोजिंग इस तरीके से डाउन साइड में हो जाती है तो इसके अगेंस्ट चला गया ना, जो बायर थे उसके अगेंस्ट अब सेलर आ चुके हैं, तो अब अगले दिन मार्केट नीचे गिरेगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने है, सिंगल कैंडल से नहीं करने। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन के नीचे आके रेड कैंडल यहां पे क्लोजिंग दे दिया, तो इससे ये पता चलता है कि सेलर अब प्रोमिनेंट हो चुके हैं, मार्केट अगले दिन नीचे गिर सकते हैं। लेकिन यही रेड कैंडल अगर ये ग्रीन के हाफ तक आती तो यहां पे कोई गारंटी नहीं है। तो जो लॉजिक मैं बता रहा हूं ये 100% तो मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन ये 70-80% आप इससे एक्यूरेट समझ सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। जैसे आज की हम बात करें तो देखिए बुलिश मूवमेंट हो रहा है, तो अब बुलिश साइड में जो मार्केट के कर्व बनेंगी, जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रेंड को कैसे चेक करना है। मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप 70-80% ये गेस कर पाएंगे कि मार्केट का डेली बेसिस पे डायरेक्शनल वैल्यू क्या है, मार्केट किधर जाने वाला है, और उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड को प्लान करेंगे तो जो ओवर ट्रेडिंग है काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। और प्रोसेस ओरिएंटेड की जो हमने बात की थी शुरू में, तो प्रोसेस ओरिएंटेड आप बनने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे चेक करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ऑफ डे एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जो प्रोफेशनल्स करते हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे व्यवहार कर रहा है, या मार्केट ट्रेंड लाइन से ऊपर व्यवहार कर रहा है, या मार्केट किसी रेंज बाउंड एरिया में है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाए कि अगले दिन हमें क्या करना है। तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 15 मिनट का लगाएंगे। अब यहां पे मान लीजिए कि मार्केट कंटिन्यूएशन बेरिश ट्रेंड में है, ये वन डे का मान लीजिए यहाँ पे हम कैंडल को ड्रा कर रहे हैं वन डे के सिंपल कैंडल को, और ये मान लीजिए इस तरीके से माइनस में डेली क्लोजिंग डेली बेसिस पे दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 15 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल स्टिक जो मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये 15 मिनट की जो कैंडल स्टिक जब आप लगाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही आपको मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे एक क्लैरिटी मिलती है, आपको ये देखना है कि अगर आपका ट्रेंड बेरिश चल रहा है, 15 मिनट की कैंडल लगाने पर अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम तब तक बाय साइड का नहीं सोचेंगे, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ट्रेंड लाइन में टकरा जाए कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस, बाकी जो सारी चीजें हमने पढ़ाई है उसके हिसाब से सिर्फ डाउन डायरेक्शन में ही अपॉर्चुनिटी बनाने में फायदा है। छोटे स्टॉप लॉस में अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। लेकिन जैसे अभी करंट सिनेरियो मार्केट का चल रहा है तो आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 3-4 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश है। तो जैसे कैंडल कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, जैसे परसों का कैंडल बना, कल का कैंडल बुलिश बना, आज भी कैंडल इस तरह से बुलिश बन रहा है, उससे पहले भी ग्रीन बना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो ट्रेंडिंग बुलिश है। तो ट्रेंडिंग जब बुलिश है तो ये 15 मिनट का जो कैंडल का टाइम फ्रेम है इसमें मार्केट का व्यवहार क्या होगा कि ये जो मार्केट है तो ये नीचे से क्या होगा ट्रेंड लाइन से ऊपर ही व्यवहार करेगी। तो अगर मान लीजिए कि ट्रेंडिंग मार्केट को आपको पता लगाना है तो आप ट्रेंड लाइन से ये देख सकते हैं कि 15 मिनट के कैंडल को अगर वो सपोर्ट लेके अपसाइड में व्यवहार कर रही है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में है। अगर वो 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम कैंडल लेकर के इस तरह से डाउन साइड में व्यवहार कर रही है तो डाउन साइड में है। अब इससे एक डायरेक्शनल वैल्यू की क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये चीज से आप जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे डाउन साइड में है तो आप देख सकते हैं कि जो 15 मिनट की कैंडल है तो इसके नीचे ओपन होती है, मार्केट क्लोज हो गई, फिर ओपन हुई, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर 15 मिनट में यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज हो गई। तो ये 3 दिन तक मार्केट जो है तो ये डाउन डायरेक्शन में रही, फिर यहाँ 4th दिन ओपन होकर अप डायरेक्शन में आ पाई। तो देखिए अप डायरेक्शन में ये 3-4 दिन तक अप डायरेक्शन में चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो हम सेल साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर है तो बाय साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लाइफ में रैंडम डिसीजन नहीं लेंगे कि मार्केट चल रही कहीं पर भी हम एंट्री ले लें। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक मिनट के लिए मैं चार्ट को ओपन करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, और आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट के हिसाब से आप कैसे ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्ट को ओपन किया और ये चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे ट्रेंड लाइन का लॉजिक अभी हमने पढ़ाया तो एज ए ट्रेडर आपको ये चीज़ पूरी क्लियरिटी के साथ में रहना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड बनने के लिए आपके माइंड मेकअप बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड था, फिर ये माइनस में आके क्लोज हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इसका हायर हाई है ये कभी अपना 15 मिनट का हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके से लगभग एक ट्रेंड लाइन हुई। फिर देखिए मार्केट एक दिन जो बिल्कुल एक जोन में चली है, जोन का मतलब है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब मार्केट जोन में होती है तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड लिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट ने फिर एक कंटिन्यूअसली अपसाइड में एक मोमेंटम दिया। तो पिछले 3 दिन से तीसरा दिन है मार्केट बुलिश ट्रेंडिंग बिहेवियर में है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये अपने हायर हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे है और डेली बेसिस पे आपको माइनस में दिख रहा है, तो इसका मतलब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी में जाएंगे। अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर है, रेंज बाउंड है, तो आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश है इस तरीके से तो यहां पे बाय साइड में आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी मिल गई दोस्तों। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड और ट्रेंड लाइन को कैसे चेक करना है। अगर आप ट्रेंड और ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप मार्केट की डायरेक्शनल वैल्यू को अच्छे से निकाल पाएंगे। डायरेक्शनल वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एक सफल ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब तक आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप ट्रेड किस साइड में करोगे, अपनी एंट्री को कैसे डिफाइन करोगे। तो इसलिए आपको डायरेक्शनल वैल्यू निकालना आना चाहिए, जिसके लिए आप ट्रेंड और ट्रेंड लाइन की हेल्प से जैसे हमने बताया निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक बार और मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर डेली बेसिस में आपको निगेटिव साइन मिल रहे हैं और आपका ट्रेंड निगेटिव शो कर रहा है और यहां पर जो मार्केट है ये 15 मिनट कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे शो कर रहा है, तो तब तक आपको चाहे वो 2 दिन 4 दिन हो, 6 दिन हो, तब तक आपको सेल साइड में ही प्लान करना है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे अगर डेली बेसिस में यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं ट्रेंड में और 15 मिनट की कैंडल ट्रेंड लाइन के जो नीचे है और मार्केट उस तरह से ऊपर व्यवहार कर रहा है, तो ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक ऐसा रहेगा तब तक हमें बुलिश साइड में ही प्लान करना चाहिए। जब तक आप बिगनर है, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनने में बहुत सारी हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से डाउन भी नहीं है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अप भी नहीं है, तो मार्केट की एक तीसरी कंडीशन होती है कि मार्केट जोन में चलती है, मतलब थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, तो इसको जोन में जब मार्केट चलती है तो यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग नीचे है तो क्या करना है, ट्रेंडिंग अप है तो क्या करना है, और जोनल में चल रही है तो क्या करना है। अब बात करते हैं इसके आगे पॉइंट की। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के फेज एंड साइकोलॉजी को समझना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके माइंडसेट से जुड़ा हुआ है और ट्रेडिंग फील्ड में एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत 3 चीजें डिस्कस की जाती है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करना, रेंज ब्रेकआउट को चेक करना, पिवोट पॉइंट को चेक करना। लेकिन इन तीनों टॉपिक पे ऑलरेडी हमने वीडियोज बना चुके हैं, अगर आप नहीं अभी तक देखें तो चैनल में जाइए, सर्च बार में वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेंज ब्रेकआउट और पिवोट पे। लेकिन ये चीज आपको एंड ऑफ डे अगले दिन की तैयारी करने के लिए एनालिसिस करना चाहिए। तो इसमें क्या आपको देखना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वो चीज की क्लैरिटी यहां पे थोड़ा सा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दिन मार्केट ओपन हुई और इस तरह से व्यवहार करके और यहां पे बंद हो गई, अगले दिन मार्केट ओपन हुई और इस तरीके से व्यवहार करके यहां पे बंद हो गई, फिर अगले दिन मार्केट इस तरह से व्यवहार कर रही है, तो यहां पे क्या आपको लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो है तो एक ही लेवल पे लगभग व्यवहार कर रही है,
है और ये रेजिस्टेंस लेवल इस तरह से व्यवहार कर रही है। लेकिन चौथे दिन मार्केट अगर अपसाइड में ओपन होकर और इसके हायर हाई तोड़ को अच्छा मोमेंटम होता है तो इसका मतलब है मार्केट ट्रेंडिंग हाई बुलिश है और मार्केट अपसाइड में ज्यादा व्यवहार करेगी, या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे साइड में जाता है दो तीन दिन के बाद तो यहाँ पे डाउन साइड में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करना चाहिए इसलिए क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेंडिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो एक जोन में होगी अपर डाउन के, तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये पता लग जाता है कि मार्केट इस जोन में है या डाउन डायरेक्शन जोन में है या फिर ये अप डायरेक्शन के जोन में इस तरह से व्यवहार कर रही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने ट्रेंड चेक कर लिया और ट्रेंड चेक करने के बाद आपने ट्रेंड लाइन को चेक कर लिया, उसके बाद आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लिया, ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा होता है रेंज। रेंज ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि मार्केट कभी कभी क्या होती है जब ट्रेंडिंग होती है तो ओपन हुई नीचे खुली या क्लोज हो गई फिर ओपन हुई ऊपर गई नीचे क्लोज हो गई, तो इस तरह ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ओपन होगी हाई पे बॉटम पे क्लोज होगी फिर हाई पे ओपन होगी बॉटम पे क्लोज होगी। अगर मार्केट बुलिश है तो बॉटम पे ओपन होगी हाई पे क्लोज होगी, ट्रेंडिंग मार्केट इस तरह से व्यवहार करती है। लेकिन जब रेंज में होती है तो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने बताया तो सिमिलरली रेंज में क्या होता है कि मार्केट जब एक या दो या तीन दिन किसी रेंज में रहती है, जैसे निफ्टी में देखेंगे तो आज के चौथे पांचवें दिन मार्केट एक रेंज में थी, पहले डाउन डायरेक्शन में आई फिर मार्केट एक दिन पूरी रेंज में रही निफ्टी में बैंक निफ्टी में, फिर आप देखेंगे कि अब ये पिछले तीन दिन से ऊपर भाग रही है। तो जिस दिन मार्केट रेंज में रहेगी वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिखेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि वहां पे हमें रेंज ब्रेकआउट पे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रेंज मार्केट बना रही है अगर उसको वो अप साइड में ब्रेकआउट करती है या डाउन साइड में रेंज को ब्रेकआउट करती है तो उधर हाई भी मूवमेंट होने वाला है। कई कई दिन मार्केट में क्या होता है कि जैसे मार्केट ओपन हुई तीन चार दिन तक बुलिश गई फिर ऊपर एक रेंज बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनाते बनाते तीन चार दिन दो दिन एक दिन ऐसे ऐसे टॉप पे जाके यहाँ पे सबको बेच के फिर जब ये लोअर लो इसका तोड़ती है तो मार्केट दो तीन दिन धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मार्केट ये रेंज में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट रेंज में आपको दिखाई देती है तो आप वेट करिए, जैसे ही उस रेंज में कोई अपॉर्चुनिटी आपको अप या डाउन साइड में दिखेगी तो उस तरीके से आप रेंज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इस पर भी दिमाग लगाना चाहिए, कहने का मतलब है जो प्रोफेशनल्स होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो इन सब चीजों पर मार्क करके रखते हैं कि एक्चुअल मार्केट में क्या सीन चल रहा है और कहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए जब मार्केट जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाती है वो 70-80% लोग वो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से अपने व्यू से अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होगी कि मार्केट कोई कंडीशंस अगर देता है उसके बाद कौन सी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो कॉमन अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखती है वो ट्रैपिंग होती है, जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है वो आपके माइंड से निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूं रेंज पे आपको समझ में आ गया होगा, या मान लीजिए दो तीन दिन तक आपको इस तरह से रेंज मिल रही है, चौपी रेंज मिल रही है, नीचे गिर रही है, और एक दिन आपको क्या होता है कि तीन दिन मार्केट चलने के बाद बॉटम से आकर के यहां पे रेंज को ब्रेक करती है। तो इसका मतलब है जैसे ही ट्रेंड लाइन की रेंज को ब्रेक करेगी तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम उस दिन होने वाला है अगर पिछले दो तीन दिन चार दिन वो निगेटिव व्यवहार हुआ। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव व्यवहार तीन चार दिन हुआ, मान लीजिए आप साइड में चल रही है उसके निगेटिव जब जाएगी तो वहां पर अच्छे से मिलेगी, तो ये चीज आपको चेक कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे पिवोट पॉइंट की। पिवोट पॉइंट को लेकर के हमने एक अच्छा कॉन्सेप्ट शेयर किया था, तो इसमें थोड़ी सी हम यहाँ पे क्लैरिटी देंगे कि पिवोट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां मार्केट के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये पिवोट पॉइंट की लाइन है और मार्केट मान लीजिए इसके नीचे खुला टकरा के इसके नीचे आके क्लोज हो गया, अगले दिन का जो पिवोट पॉइंट का लाइन ये बना मार्केट इसके नीचे आ गया और उसके बाद में अगले दिन का पिवोट पॉइंट, तो आप देखिए अगर पिवोट के लाइन के नीचे अब मार्केट है तो इसका मतलब ये है कि अपने सेंट्रल पॉइंट यानी कि 50% से मार्केट डेली नीचे जा रहा है तो ये डाउन डायरेक्शन में है। लेकिन जिस दिन ये अपने 50% के ऊपर आएगा यानी कि जिस दिन पहले दिन पिवोट पॉइंट के ऊपर आएगा तो एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को जनरली मिलता है। ये चीज मैंने पहले के वीडियो में आपसे शेयर की थी, तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि एक्चुअल जो मार्केट है वो पिवोट पॉइंट के हिसाब से क्या है। अगर पिवोट पॉइंट की ये लाइन निकलती है मार्केट की ओपनिंग ऊपर होती है तो ये रिस्क रहता है कि फिर ऊपर ओपन होकर एक बार आके पिवोट पे यहाँ पे टच होगी, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा इस पॉइंट पे कि ये दोबारा ऊपर जाएगी यहाँ से नीचे गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर गैप डाउन पिवोट से नीचे ओपन होती है तो मार्केट ऊपर जाकर के यहाँ से टकरा के नीचे आ सकती है या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर मार्केट पिवोट के ऊपर है और ऊपर ही ऊपर व्यवहार कर रही है, ऊपर ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट 50% से अप है और बुलिश सिम्टम्स हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अपने पिवोट लाइन के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली बेरिश है। तो इस तरीके से पिवोट की अपॉर्चुनिटी, पिवोट पॉइंट को देखना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है,
और उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन देखना है, और इन दो चीज़ों से आपको डायरेक्शनल वैल्यू निकालना है। डायरेक्शनल वैल्यू कन्फर्म होने के बाद में आप चेक करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई अच्छा ब्रेकआउट तो हमें कल नहीं मिलने वाला है, और पीवट पॉइंट कहाँ पे बनेगा, उसके हिसाब से साइकोलॉजिकल व्यवहार क्या होगा। तो ये इतने पॉइंट, अगर ये 5 की पॉइंट आप अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पहले से तैयार कर लेते हैं, तो अगले दिन ट्रेड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पहले से जानकारी हो जाएगी कि मार्केट में अभी क्या साइकोलॉजी चल रही है, क्या व्यवहार चल रहा है, और कहाँ पे क्या मोमेंटम मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे ट्रेड करते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रोसेस ओरिएंटेड बनने के लिए हमने 5 की पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक बार स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो, कोई कन्फ्यूजन ना बचे। एंड ऑफ डे यानी कि ईओडी एनालिसिस के बारे में टॉपिक था, इसके जो की पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड कैसे निकालना, कैसे चेक करना है वो चीज़ हमने बताई, ट्रेंड लाइन को कैसे निकालना, कैसे चेक करना वो चीज हमने बताई। अगर ट्रेंड और ट्रेंड लाइन अगर आपका मैच कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो डायरेक्शनल वैल्यू के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से बुलिश सिम्टम मिल रहे हैं, तो आपको बाय साइड प्लान करना है। ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड लाइन अगर के नीचे मार्केट है 15 मिनट में, तो आपको सेल साइड में प्लान करना है। लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसा होगा कि वो ट्रेंड लाइन और ट्रेंड से मैच नहीं करेगा, जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें कोई ट्रेंड लाइन आपको नहीं दिखेगी, मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगी। इस सिचुएशन के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग बिहेव नहीं है तो वो चौपी है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे बताया आप चेक कर सकते हैं, अगर रेंज बाउंड है तो जब वो रेजिस्टेंस लेवल पे जाए तो शॉर्ट करो, और जब सपोर्ट लेवल पे आए तो बाय करो। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट का मतलब है कि मार्केट हमेशा एक फॉर्म में नहीं चलती है, जैसे मार्केट डाउन फॉर्म में आएगी, गिरेगी, फिर वो एक्युमुलेट करेगी, फिर अप फॉर्म में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर डाउन फॉर्म में आएगी। तो इसलिए आपको रेंज को पकड़ना होगा। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आपने डिसाइड कर लिया, जब इसकी रेंज ब्रेकआउट हुई तो एक डाउन साइड में हैवी मूवमेंट होगा। एक्युमुलेशन अगर किसी रेंज में हो रहा है, इस तरह का रेंज बाउंड चल रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो उस रेंज को जब ब्रेकआउट अपसाइड करेगा तो एक हैवी मूवमेंट होगा। तो रेंज पे नजर बना के रखें पहले दिन से कि क्या आज कोई ऐसी रेंज है जो कल इस रेंज को ब्रेक करेगी, जो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे पिवट पॉइंट का जैसे कि हमने जिक्र किया, पिवट पॉइंट आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है मार्केट के फेज एंड साइकोलॉजी। तो इसके बारे में, इसको एक्सपीरियंस की बात कह सकते हैं कि जितना आप इस चीज में इन्वॉल्व होकर करते होंगे, उतना ही मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये 5 की पॉइंट है जो आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बना करके प्रॉफिटेबल जोन में ले जाएंगे। इसको आपको सिंपली अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन 4B की इस चीज को फॉलो करो। 4 सप्ताह जब आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम अभी है ये 50-60% अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, और आपको लाइव मार्केट में जो रैंडम ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग बंद होगी, सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि जब ये सब तैयारी नहीं है, मार्केट खुली, अब आप सोच रहे हो भाग रहे, लो 5 मिनट में बुलिश बनी तो बाय कर लूँ, ये बनी तो सेल कर लूँ, तो ये तो 80-90% लोग कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस कर रहे हैं लोग। तो आपको डिफरेंट करना है, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो धीरे धीरे चीजें होगी, माइक्रो लेवल पे अपने आप को काम करते रहिए, सुधारते रहिए, और इस चीज को फॉलो करिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में समझाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की, इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लाइक करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो, और इस महीने में एक दो वीडियो और प्लान किए हैं जो आने वाले दिनों में डालूंगा। थैंक यू सो मच।